हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे को नई वीडियो में। और किस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसे रिसोर्स पैक बताने जो कि आपके माइनक्राफ्ट वर्क एडिशन को जावा जैसा कर देंगे। तो इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाकर दोनों को डाउनलोड कर लेना है। फिर डाउनलोड में जाकर जेड अचीवर पर, उसके बाद उन दोनों फाइल्स को, अगर वो MC पैक पर नहीं है तो उसको कर देना, अगर क्योंकि वो जिप पर भी हो सकते हैं तो उनको रीनेम करना। उसके बाद यहाँ पर रीनेम में आपको दिखा देना, रीनेम करना है और यहाँ पर MC पैक लिखा हुआ है। अगर MC पैक है तो रहन देना, अगर जिप है तो उसको MC पैक कर देना काट के। और उसके बाद आपको उस पर एक सिंगल टैप करना है। सिंगल टैप करने के बाद आपको व्यू पर क्लिक कर देना है। व्यू पर क्लिक करने के बाद आपको माइनक्राफ्ट का ऑप्शन आएगा, माइनक्राफ्ट को सिलेक्ट करके जस्ट रन कर देना और आपका माइनक्राफ्ट ओपन हो जाएगा। माइनक्राफ्ट के ओपन होने के बाद आपका इंपोर्ट स्टार्टेड का ऊपर से आएगा, फिर उसके बाद सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन मेरे में फेल इसलिए होगा क्योंकि मैं पहले से ही था तो वो दोबारा रिप्लेस नहीं कर सकता, तो वो फेल हो गया, लेकिन आपके में नहीं होगा। अभी आपको सेटिंग ओपन कर दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। सेटिंग ओपन हो जाने के बाद, ये सेटिंग ओपन हो गई है, आपको सबसे नीचे जाना है और ग्लोबल रिसोर्सेज पर जाना है। उसके बाद आपको ये जो VDX लेगेसी वाला है इसको आपको एक्टिवेट कर देना है इधर से। फिर एक्टिवेट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बैक चले जाना है। अब जैसे ही आप बैक जाओगे आपका लोडिंग रिसोर्स पैक्स होगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, एक मिनट तक का मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। तो भी आप देख सकते हो माइनक्राफ्ट जावा एडिशन वाली हमारी जो UI है वो हो चुकी है। उसके बाद मैं अभी आपको इंटरफेस सारे दिखा देता हूँ। प्ले गेम में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपने सारे वर्ल्ड मिल जाएंगे, आप नई वर्ल्ड से वर्ल्ड भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ उसको। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे अचीवमेंट्स आपको नॉर्मली दिखेगी, वैसी जावा वाली नहीं दिखेगी। और जैसे आप अगर कोई लॉक तोड़ते हो तो भी आपको अचीवमेंट नहीं मिलेगी, यही इसमें एक दिक्कत है, बाकी सब तो सेम टू सेम है। और ये मार्केट प्लेस है और ये यहाँ पर आपके करेक्टर्स दिखते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये मेरी स्किन है, जैसे इधर राइट साइड में और बहुत सारी स्किन्स हैं मेरी, और बाकी ऐसा ही एक कैरेक्टर वाला होगा। अभी मैं आपको वर्ल्ड बनाकर दिखा देता हूँ प्ले का। लेकिन अभी हमारा एक काम रह गया है, हमको दूसरा वाला रिसोर्स पैक भी तो लगाना पड़ेगा। तो अभी हम बेटर नो बटन वाले को क्लिक करना है अगर वो MC पैक पे है तो। फिर उसके बाद आपको व्यू करना है और माइनक्राफ्ट को सिलेक्ट करके जस्ट रन कर देना है। इतना तो आपका ये होगा। उसके बाद अभी आपका माइनक्राफ्ट दोबारा से ओपन होगा, मेरा भी हो रहा है। तो अभी आपका आधा काम खत्म हो चुका है, मेरा ये भी फेल हो गया क्योंकि मैं पहले से था। उसके बाद आपको रिसोर्स पैक को ढूंढना है, रिसोर्स पैक ये रहा, इसको दबा के आपको बैटर नो बटन को भी ऑन कर देना है। उसके बाद ये तो रायन्स डायनेमिक लाइट थी जो कि वर्क नहीं कर रही थी। उसके बाद आपको बैटर नो बटन वाले पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पर उसकी क्लिक करना है जैसे मैंने अभी किया। उसके बाद आपको इसका रेजोल्यूशन एकदम माइनस वाला कर देना है। फिर उसके बाद इसको डन कर देना है और अभी आपका लोडिंग फिर से होगा। अभी आपका सारा काम खत्म है, आपको प्ले गेम पर क्लिक करना है, न्यू वर्ल्ड पर क्लिक करना है, उसके बाद क्रिएट न्यू पर, और फिर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन देना, वर्ल्ड का नाम मैं क्या रखूँ, कुछ भी रख देता हूँ, हाँ कुछ भी मतलब कुछ भी, तो कुछ भी मैं अपने वर्ल्ड का नाम रख रहा हूँ अभी के लिए, कुछ भी, बस डन। अब मुझे इसको सर्वाइवल पर ही रखना है और जनरल एडवांस चीट्स कुछ भी नहीं करना है। अब मैं इसको डायरेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो अभी मैंने वर्ल्ड क्रिएट कर दिया, लोडिंग तो वैसे ही पुराना वाला होगा, बहुत टाइम लगेगा, तो अभी मैं इसको फास्ट कर देता हूँ। वर्ल्ड जनरेट हो चुका है और अभी आप देख सकते हो हमारा गेम कुछ ऐसा दिखने वाला है ये सब रिसोर्स लगाने के बाद। और ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इन्वेंट्री ओपन करके दिखाना भूल ही गया था। और अगर आपको इन्वेंट्री ओपन करनी है तो आपका जो हॉट बार है जहाँ पर आपके सामान रखे रहते हैं आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं, उसके बगल में आपको एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, आपको अगर उस पर क्लिक करोगे तो आपकी इन्वेंट्री ओपन हो जाएगी। और अभी मैं आपको गेम की कुछ बेसिक सेटिंग्स दिखा देता हूँ कि आपको कैसे सेटिंग्स को चेंज करना है। नो बटन का रेजोल्यूशन लो करने से ये हो कि हमारा एक भी बटन नहीं दिख रहा, पॉज का भी नहीं, इमोट का भी नहीं, ना चैट का। तो अगर आपको वो देखना है तो फिर आपको रेजोल्यूशन को पूरा हाई कर देना है, उससे सिर्फ आपके बटन हाइड होंगे, आपके ऊपर का ऑप्शन नहीं हाइड होगा। मैंने पूरा लो कर दिया है क्योंकि मेरे को आदत है इसमें खेलने की, तो मैं कहीं से भी क्लिक कर ले आता हूँ। तो अभी आपको जो अपना क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन फ्रंट या बैक पर करना है, तो आपको इस वाले बटन पर क्लिक करना है, फिर आपका फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरा फर्स्ट पर्सन फ्रंट हो गया है। और होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।